वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर की। अब वेक्टर, जैसे कि आप जानते हैं, हमारे पास जो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो कि हमारे पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से रिप्रेजेंट की जाती हैं, वो हमारे पास क्या कहलाती हैं? वेक्टर्स कहलाती हैं। अगर आप देखें स्टूडेंट्स कि हम लोग जो कोई भी हमारे पास अगर वेक्टर हो, अगर हम उसको रिजॉल्व करें उसके कंपोनेंट्स में, यानी कि ए जो है, जिस तरह से अगर वेक्टर है और उसको रिजॉल्व कर लें उसको, यानी कि उसकी जो है, आप ये कह सकते हैं कि हम उसकी सिंप्लीफिकेशन करना चाह रहे हो या फिर उसकी रेजोल्यूशन करना चाह रहे हो, तो हम उसको जो है वो डिफरेंट तरीकों से रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब रिजॉल्व करने का जो बेसिकली मकसद होता है वो ये होता है कि हम उसको सोल्यूशन, उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना चाह रहे होते हैं बेसिकली। तो अब रेजोल्यूशन जो है वो उसमें जो मोस्ट कन्वीनियंट जो मेथड आ जाता है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास ये है कि आप उसको रिजॉल्व करें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। ठीक है, अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हमारे पास क्या होते हैं सर? अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को देखा जाए तो हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स जो कि एक दूसरे के ऊपर 90 का एंगल बना रहे हो, यानी कि वो एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे के ऊपर जो है वो परपेंडिकुलर हो। आप ये भी कह सकते हैं कि वो परपेंडिकुलर है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि उनके दरमियान जो एंगल है वो हमारे पास क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। तो ऐसे कंपोनेंट्स हमारे पास क्या कहलाते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब इसकी एग्जाम्पल हम देखते हैं कि हमारे पास किस तरह से हम जो है वो एक वेक्टर को जो है वो रिजॉल्व करेंगे। अब उसके लिए मैं आपको ये दिखाती हूँ कि हम लोग एक डायग्राम कंसिडर करते हैं, कि जिस तरह से यहाँ मैं इसको जो है मैं यहाँ से रेज कर देती हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ हम एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ड्रॉ करने जा रही हूँ। ये हमारे पास स्टूडेंट्स वाई एक्सिस है और ये मेरे पास एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। यहाँ मैं एक वेक्टर ड्रॉ करती हूँ जो कि यहाँ से एक एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। उसका जो एंगल है स्टूडेंट्स वो हमारे पास थीटा एंगल है, यानी कि एक्स एक्सिस का उसने जो एंगल बनाया है वो क्या है, थीटा एंगल। और ये मैंने इसका जो इसका ओरिजिन है ओ ले लिया है और ये पी इसका एंड पॉइंट है। और इस वेक्टर को मैं बोल्ड लेटर से, यानी कि बोल्ड लेटर से अगर शो करूं तो ये मेरे पास ए वेक्टर है। ठीक है, अब इस वेक्टर को मैंने बेसिकली रिजॉल्व करना है इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। तो अगर हम देखें तो इसके जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो होंगे स्टूडेंट्स, वो क्या होंगे कि ये वाला जो वेक्टर जो है अपनी जो प्रोजेक्शन कर रहा है, यानी कि प्रोजेक्शन का क्या मतलब है कि उसके ऊपर जो उसका साया पड़ा है, इसको आसान अल्फाज में अगर हम देखें, जो इस वेक्टर का जो साया है यानी कि प्रोजेक्शन जो है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो हमारे पास ये बन रही है। ठीक है, ये ओ और इसको मैं एम कह देती हूँ। यहाँ अगर यहाँ तक ये एंड हो रहा है तो ओ एम जो है वो बेसिकली क्या है, हमारे पास इसका एक्स कंपोनेंट है प्रोजेक्शन का, यानी कि इसको मैं ए एक्स भी कह सकती हूँ, ए एक्स इंटू आई हैट। आई हैट बेसिकली क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास यूनिट वेक्टर है, यानी कि जो हमें बेसिकली क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। और आई जो है वो डायरेक्शन शो कर रहा है अलॉन्ग द एक्स एक्सिस के लिए। ठीक है, और एक्स जो है वो ये शो कर रहा है कि हमारे पास ये एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट लाइक कर रहा है। और अगर हम इसकी यानी कि ओ पी वैक्टर यानी कि ए वैक्टर की अगर प्रोजेक्शन देखें जो कि वाई एक्सिस पे पड़ी है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, ए वाई इंटू जे हैट। और जे हैट अगेन हमारे पास यूनिट वेक्टर है जो कि वाई एक्सिस में को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारे पास दो कंपोनेंट्स आ गए, ए एक्स आई हैट और ए वाई जे हैट। अगर हम देखें कि ए एक्स आई हैट और ये वाली लाइन, यानी कि ये ओ और इसको मैं यहाँ यहाँ मैं इसको कह देती हूँ कि ये ओ एन है। ठीक है, ये एन पॉइंट है। ठीक है, ओ एन और अगर आप एम पी को देखें तो ये सिमिलर है, यानी कि एक दूसरे के पैरेलल है। तो हमें जो है इसके जरिए, यानी कि यहाँ मैं लिख भी देती हूँ कि ओ एन जो है वो हमारे पास किसके बराबर है, एम पी के बराबर है। तो इस वजह से मैं ये कह सकती हूँ कि ये भी लाइन जो है बेसिकली वाई एक्सिस की ही प्रोजेक्शन है। जिससे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो दो कंपोनेंट्स हैं इनके दरमियान एंगल कितना बन रहा है, यानी कि ओ एम और ओ एन के दरमियान जो एंगल है स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। और ये हमें बता देता है कि हमारे पास जो हमने रेजोल्यूशन की है वेक्टर की, ओ पी वेक्टर की या फिर ए वेक्टर की रेजोल्यूशन की है, वो हमने किसके अलॉन्ग किए, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अलॉन्ग किए। ठीक है, जो कि हमारे पास एक दूसरे के अलॉन्ग क्या एंगल बना रहे हैं, 90 का एंगल बना रहे हैं। अगर स्टूडेंट्स हम हेड टू टेल रूल यूज करें और इन दो वेक्टर्स को कंबाइन करने की कोशिश करें, तो आप देख सकते हैं कि एक वेक्टर जो कि ओ एम वेक्टर है हमारे पास, ठीक है, वो मैंने इस तरह से बना दिया है। और मेरे पास ये जो ओ एन वेक्टर है वो मैं यूं बना देती हूँ कि ओ एन वेक्टर है। अब मैं इसको हेड टू टेल रूल से अगर कंबाइन करूँ तो मैं ये देख सकती हूँ स्टूडेंट्स कि यहाँ अगर मैं इसकी इसकी कम्बिनेशन करती हूँ बाय हेड टू टेल, यानी कि आप इसको एडिशन ऑफ द वेक्टर भी कह सकते हैं, तो मैं एक का हेड से दूसरे की टेल को जो आया ज्वाइन कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ जो है ये मेरे पास इसका रिजल्टेंट बन जाता है जो कि अगेन मेरे पास ओ पी वैक्टर है, यानी कि ये मेरे पास ए वैक्टर है। तो जिससे मैं
ये कंक्लूड कर सकती हूँ स्टूडेंट्स कि मेरे पास जो ए वेक्टर है यानी कि ए वेक्टर जो है वो बराबर है किसके, ए एक्स आई हैट के प्लस ए वाई जे हैट के, यानी कि ये इन दोनों को एड अप करके ही बना है, सही, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ओ एम जो है वो मेरे पास ए एक्स आई हैट के बराबर है और ओ एन जो है वो मेरे पास ए वाई जे हैट के बराबर है। तो इस तरह से मैंने बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल या फिर वेक्टर एडिशन का जो रूल है उसके तहत मैंने ये जो है ये कंक्लूजन निकाली है कि ए जो है वो ए एक्स आई हैट प्लस ए वाई जे हैट के बराबर आ गया, ठीक है। और ये जो दो कंपोनेंट्स हैं यानी कि ए एक्स और ए वाई जो है ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या कहलाते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर ए, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं क्योंकि ये दोनों आपस में 90 का एंगल जो है वो ड्रॉ कर रहे हैं। अब जो सेकंड क्वेश्चन हमारे दिमागों में राइज कर रहा है वो ये है कि हमारे पास ए एक्स की जो है वो स्टूडेंट्स वैल्यू क्या होंगी और ए वाई की हमारे पास क्या वैल्यू होगी, यानी कि ये जो है ये इसकी इसकी जो मतलब वैल्यू है वो हम किस तरह से निकालेंगे। उसके लिए हम स्टूडेंट्स हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उसका कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। और अगर आप फिगर की तरफ देखें तो अगर हम कॉज ऑफ थीटा यूज करें, कॉज ऑफ थीटा की वैल्यू देखें तो कॉज हमारे पास होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, बेस हमारे पास क्या है ओ एम है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है ओ पी है, ठीक है। और अगर मैं इसमें वैल्यूज पुट करूँ यहाँ तो कॉज ऑफ थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाती है स्टूडेंट्स, यहाँ अगर हम इसको थोड़ा सा यहाँ देखें तो कॉज ऑफ थीटा ओ एम हमारे पास क्या है ए एक्स के बराबर है, ठीक है। अगर मैं डायरेक्शन को जो है वो इसमें कंसिडर नहीं करी क्योंकि मैं मैग्नीट्यूड्स निकालना चाह रही हूँ बेसिकली, और ओ पी मेरे पास ए के बराबर है, तो जिससे मुझे पता चल गया कि मेरे पास ए एक्स जो है वो स्टूडेंट्स किसके बराबर होगा, ए कॉज ऑफ थीटा के बराबर आ गया, ठीक है, मेरे पास ए एक्स क्या आ गया, ए कॉज ऑफ थीटा के बराबर आ गया। अब इसी तरह मैं ए वाई भी निकाल सकती हूँ कि अगर मैं साइन ऑफ थीटा यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक साइन ऑफ थीटा यूज करूँ तो मुझे पता है साइन जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है, और परपेंडिकुलर हमारे पास इस केस में हमारे पास क्या है एम पी है या फिर ओ एन भी कह सकते हैं, ठीक है, ओ एन ही लिख देते हैं हम लोग, ओ एन डिवाइडेड बाय एच पी जो है यानी कि हाइपोटेन्यूज जो है हमारे पास किसके बराबर है ओ पी के बराबर है। तो जिससे मैं ये कंक्लूजन निकाल सकती हूँ कि साइन ऑफ थीटा मेरे पास ओ एन जो है वो मेरे पास ए वाई है क्योंकि मैं इसमें से मैग्नीट्यूड्स ले रही हूँ और ओ पी जो है मेरे पास ए के बराबर है, और ये इम्प्लाई कर रहा है क्या हमारे पास स्टूडेंट्स की हमारे पास ए वाई जो है वो हमारे पास किसके बराबर है ए साइन ऑफ थीटा के, ए साइन ऑफ थीटा, यानी कि ए वाई का भी मैंने वैल्यू निकाली है स्टूडेंट्स और ए एक्स की भी वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली है बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और आप जानते हैं कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कब यूज करते हैं, जब हमारे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल होती है, तो हमने ए वाई और ए एक्स की जो है वो वैल्यू कैलकुलेट कर ली है यहाँ से आप देख सकते हैं। और ये बेसिकली हमारे पास क्या है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर ए, जिससे आप जो है वो ये वाली जो इक्वेशन है उसमें आप एट द एंड रिजल्ट भी पुट कर सकते हैं, यानी कि अगर आप इसको मजीद सॉल्व करें तो आप ए वेक्टर को इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए एक्स की जगह आप ए कॉज ऑफ थीटा डाल देंगे इंटू आई हैट, ठीक है, और प्लस ए साइन ऑफ थीटा इंटू जे हैट, ठीक है, ये आई हैट और जे हैट जो है वो बेसिकली इसकी डायरेक्शंस हमें बता रहे हैं। और ये जो ए है स्टूडेंट्स ये वेक्टर है बेसिकली हमारे पास, और ये दोनों जो स्मॉल ए मैंने लिखे हैं बल्कि मतलब कि कैपिटल है लेकिन बोल्ड नहीं है, और जो वेक्टर है उसके ऊपर मैंने एरो हेड का निशान डाल दिया, ठीक है। तो ये मेरे पास ए इनका जो मैग्नीट्यूड आ गया इंटू कॉज ऑफ थीटा, ठीक है, इंटू आई हैट प्लस साइन ऑफ थीटा इंटू जे है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स हमने रेजोल्व कर लिया है ए कंपोनेंट को इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, जो कि इसको हमें बता रहे हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग होंगे और बेसिकली इनके दरमियान जो एंगल बन रहा होगा वो 90 डिग्री का एंगल होगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम जो है डिफरेंट वैक्टर्स को जो है रिजोल्व कर सकते हैं, उनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर सकते हैं, और ये हमारे पास एक बेस्ट मैथड है कि हम जिससे हम वैक्टर की जो है वो सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं और उसको जो है मतलब कि उसकी वैल्यूज में जो है उसको स्प्लिट कर सकते हैं।